हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए, हरियाणा निवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। और दोस्तों, हरियाणा में ग्रुप डी की सीधी नई भर्ती दोस्तों आ चुकी है, इसके फॉर्म भी निकल चुके हैं दोस्तों। अभी अभी जारी किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों। इसकी योग्यता जो है 8वीं और 10वीं पास रखी गई है दोस्तों। अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर अभी आए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, और बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये फॉर्म जो निकला है, इसे महिला और पुरुष दोनों इसके आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हिसार की ओर से जारी किया गया है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट में ज़रूर करना है, अपने यानी ज़िले का नाम कमेंट ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, आपके ज़िले की कोई भी भर्ती निकलेगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूं दोस्तों। कमेंट ज़रूर करना है, अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखना है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले बता देता हूं, ये जो भर्ती निकली डीसी रेट पर भर्ती निकाली गई है, तो दोस्तों देख सकते हैं इसके जो पद हैं आपको 11 पद यहाँ पर बताए गए हैं। और दोस्तों, इसके ब्रेकअप पोस्ट की गई हैं, ये प्यून पद पर भर्ती है ग्रुप डी की। तो दोस्तों, 6 जर्नल की पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई हैं, और 1 ESM जर्नल की है, और 2 SC की हैं, 1 BCA की है, 1 BCB कैटेगरी की है। और दोस्तों, इसका जो आपको ग्रेड पे है देख सकते हैं, और आपको इसमें हिसार की ओर से भर्ती निकाली गई है, ठीक है, ये टेम्परेरी बेसिस पे भर्ती की गई है, ठीक है। और दोस्तों, इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपको क्वालिफ़िकेशन के लिए प्यून पद के लिए आपको 8वीं और 10वीं पास होना अनिवार्य है, आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी और पंजाबी की, तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं। और भी हिंदी गुरुमुखी लैंग्वेज की आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। और एज की बात करूँ दोस्तों, आपकी 18 वर्ष से लेकर के 42 ईयर ओल्ड वाले यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। और दोस्तों, इसमें आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट दी जाएगी। और दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी है आपके लिए, यहाँ पर 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो भर्ती है इंटरव्यू से होगी, इसमें एग्ज़ाम नहीं है। शाम 5 बजे तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो लिंक है, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये है दोस्तों ई कोड हिसार की ओर से ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है। और दोस्तों, इसकी जो बात है, मुख्य बात है, इसकी डेट आप इंटरव्यू जो रखी गई है आपकी, तो दोस्तों ये 12 मार्च से आपके होंगे, 19 मार्च तक आपके कंप्लीट करा लिए जाएंगे प्यून पद के लिए, ठीक है। दो पोस्ट इसमें दो प्रकार की निकाली गई हैं, इसमें ये है पोस्ट स्वीपर की है, ठीक है, इसका होगा जो 20 मार्च को होगा। और दोस्तों देख सकते हैं, 12 जो मार्च को इसका इंटरव्यू होगा, वो A से B C तक होंगे, ठीक है, 13 तारीख को अलग होंगे, टोटल इसकी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अपना अल्फ़ाबेट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका ऑफलाइन फॉर्म है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर फॉर्म भी दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर भर सकते हैं। ये यहाँ पर अपनी फ़ोटो अच्छे से लगाना है, और नेम ऑफ पोस्ट लिखना है, स्वीपर हो या प्यून हो, ठीक है। तो दोस्तों, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे से आप अपना नाम लिखें, फादर नेम लिखें और मदर नेम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपना जो सेक्स है वो अपना यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप अच्छे से फॉर्म भरें, और इसे डाउनलोड करने के लिए दोस्तों, इसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए इतनी थी जानकारी इस वीडियो में। दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से क्या होता है आप यहाँ पर तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी थी जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।